वेलकम है आप सभी का DTS तन्मय डांस एंड ब्लॉग में, और मैं लेके चलती हूँ आपको ब्रह्मांड घाट, जो कि जहाँ पे कान्हा जी ने मिट्टी खाई थी। ये ब्रह्म घाट उसी टाइम का बताते हैं, ये प्राचीन जगह है जो कि कान्हा जी ने मिट्टी खाई थी और यशोदा मैया जी ने उनका मुख खुलवा के पूरे ब्रह्मांड का नज़ारा देखा था। बताते हैं उसी टाइम का ये पूरा घाट, ये सारी जगह उसी टाइम की है, ये प्राचीन जगह है। और जो मैंने आपको दिखाई थी रमन रीति, तो वो जगह वो है जो कि कान्हा जी उधर मिट्टी में खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे, बहुत सारे खेल वो अपना खेलते थे, गाय चराने के लिए जाते थे, तो वो तो है रमन रीति की जगह। और ये है ब्रह्मांड घाट, तो इसको इसलिए नाम दिया गया है कि जब कान्हा जी ने मिट्टी खाई थी तो पूरा ब्रह्मांड नज़र आया था उनके मुख में, तो इसलिए इसको इस जगह का नाम यही दिया गया है। ये जो आप घाट देख रहे हो, इधर सभी लोग फूल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ये है यमुना मैया। बहुत से लोग इधर आते हैं, बोटिंग भी करते हैं। और चलिए आप सभी को मैं लेके चलती हूँ अब मंदिर के अंदर। देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं दर्शन के लिए श्री कृष्ण भगवान जी के। आप सभी को इस जगह की बता दूं, इधर जो प्रसाद चढ़ता है ना, वो ना मिट्टी के पेड़ों का प्रसाद चढ़ता है, क्योंकि कान्हा जी ने मिट्टी खाई थी तो वही प्रसाद सभी लोग लेते हैं, वही अंदर ले जाते हैं, सभी लोग चढ़ाते हैं। ये जो मिट्टी का पेड़ा है ना, इसकी तीन विशेषताएं भी बताई गई हैं। पहली विशेषता ये है कि जो ये मिट्टी का पेड़ा है, कुछ चढ़ाने के बाद में सभी लोग अपने अपने घर ले जाते हैं, उसके बाद ये चंदन के काम आता है मिट्टी का पेड़ा जो है। और सेकंड बताते हैं कि जो बच्चा मिट्टी खाता है ना, उसको ये खिला दी जाए तो वो फिर कभी भी मिट्टी नहीं खाता है, ऐसा ये बताया जाता है इधर। और तीसरा ये है कि अगर उसे नॉर्मल जल में मिला दोगे तो वो यमुना जल बन जाती है। तो ये सारी विशेषताएं उस पेड़े के बारे में बताई गई हैं। तो आप सभी लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन ज़रूर करना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके जाऊंगी आपको चिंताहरण मंदिर, जो कि कान्हा जी ने मिट्टी खाई थी तो उनकी मैया जी को चिंता हो गई थी। और मैं मिलाती हूँ चलो अपने हाई फाई से, ये है मेरे हाई फाई। और थैंक यू गाइज मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। हाय।